As you know that we are covering Indian administration, so in the lecture number 68 we are going to discuss about the politics and administration with special reference to city management. अभी तक हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लेक्चर्स को कवर किया है, साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ा है. अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद में हमें बताइए आप कमेंट करके आपको कैसे लगे. शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 68. सिटी मैनेजमेंट को लेकर के पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है. अर्बनाइजेशन, जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट. लेकिन उसी अर्बनाइजेशन को अगर प्रॉपरली मैनेज न किया जाए तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. इतने डिजास्ट्रस आउटकम हो सकते हैं विच वुड बी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू फिक्स, राइट. सो अर्बनाइजेशन को एक किस तरीके से प्लान करके प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो हमने प्रॉब्लम एरियाज़ देखे थे म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, राइट. तो आजकल के जो अर्बन प्लानर्स हैं, दे आर बिजी क्रिएटिंग अ ब्यूरोक्रेटिक मेज, इशूइंग परमिट एंड एनफोर्सिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग कोड. बिकेम रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव एंड करेक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रीएम्पटिव. ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव. इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसिडेंट जो है वो हो चुका है, आफ्टर बाद में जो स्टेप लिए जाते हैं वो होते हैं रिएक्टिव, और उस इंसिडेंट को रोकने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं वो होते हैं प्रोएक्टिव. तो हमारी जो प्रेजेंट डे अर्बन प्लानिंग है वो कुछ रिएक्टिव हो गई है रेदर देन बींग प्रोएक्टिव, ठीक है. तो यही हमारा जो टॉपिक है पूरा इसी के अराउंड घूमता है. वन बाय वन देखते हैं कि हमारे टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं. सबसे पहले समझिए दैट व्हाइल अर्बनाइजेशन कैन बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूजन अनलेस मैनेज्ड प्रॉपरली. अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंजन है, बट अगर इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए इट कैन क्रिएट सीरियस सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस एंड डिजास्ट्रस आउटकम विच वुड बी डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू फिक्स. देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द म्यूनिसिपल बॉडी, बट इन टूडेज टर्म वी कैन से दैट जो अर्बन प्लानर्स हैं दे आर बिजी क्रिएटिंग अ ब्यूरोक्रेटिक मेज, इशूइंग परमिट, इन्फोर्सिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग कोड. बिकेम रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव, करेक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रीएम्पटिव. मतलब कि जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से पहले स्टेप लेने चाहिए थे वो स्टेप हम बाद में ले रहे हैं, ठीक है. तो हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है. एंड वी आर बिजी इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबल प्लान एट द लोकल लेवल. ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने ग्लोबल लोकल डिबेट को समझा होगा, उस डिबेट को आपने प्रॉपरली देखा होगा. तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लान बनाए जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्लान बनाए जा रहे हैं, उनको हम लोकल लेवल पे फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं. देर इज़ अ मेजोरिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन ड्वेलर हु डू नॉट हैव एक्सेस टू इवन द बेसिक एम्यूनिटीज सर्विसेज फॉर अ डिसेंट लिविंग. आपने न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे या आपने रियल लाइफ में भी फील किया होगा, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जहाँ पर बेसिक सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती. फिर बात करते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है. एक रीज़न है रिजिड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. रिजिड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच टूवर्ड्स दिस विद अ टॉप डाउन अप्रोच, दैट इज़ अ लेथर्जिक एंड अनइक्विप्ड एंड अनस्किल्ड वन. टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोकल गवर्नमेंट को क्या करना है. इससे क्या होता है, एक सेम अप्रोच लेकर के हम चलते हैं जो कि लोकल लेवल की रिक्वायरमेंट को नेग्लेक्ट कर देती है, और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं. देन हम बात करते हैं कि जो इनके हेड होते हैं म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, अर्बन म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, इनके जो हेड होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं हैं. इसकी वजह से उनको काफ़ी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के अंदर उनकी नॉलेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बी इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू बिल्ड देयर कैपेसिटी इन ऑर्डर फॉर देम टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हैंडल द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक बॉडी. ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ पर ये आर्टिकल कह रहा है
कि हमें जर्नलिस्ट नहीं, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, और इसी के लिए ज़रूरी है कि वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस सीख करके आए, कुछ थोड़ी सी नॉलेज और गेन करके आए, ताकि इन सारी प्रॉब्लम को वो प्रॉपरली डील कर सके। स्पेशली इन दी एलपीजी एरा, जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और ग्लोबल जो वर्ल्ड जो है वो और भी ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, सो वेयर इंडिया इज़ अंडरगोइंग इन इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर जो है वो सिटी और अर्बन मैनेजमेंट सामने आती है। तो मैं कंक्लूड कर दूं, अभी तक हमने जो पढ़ा, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और अगर हमने अर्बनाइजेशन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी ब्यूरोक्रेसी के रिजिडनेस की वजह से, और वो रिजिडनेस क्यों आती है, इसका रीज़न दिया है एक, वहाँ पर जो है वो जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते, तो उनको पता नहीं है उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील किया जाना चाहिए। उनके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कम नॉलेज होती है, रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज होती है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं, एंड दे हैज सेट अप अ होस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन गवर्नेंस ऑफिशियल्स एंड स्टाफ टू अचीव द अबो मेंशन्ड गोल। ये ध्यान रखिएगा कि स्टाफ जब अच्छा होता है, जब पर्सनल अच्छा होता है, तो टारगेट भी जो है वो ईजिली अचीव किए जा सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, हमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक भी हमें सपोर्ट कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। इन दोनों ने पार्टनरशिप की टू स्पेसिफिकली सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स ऑफ इंडियन सिटी एंड हैव साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू दिस इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द इंडियन सिटीज़, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट ने एक MOU साइन किया है। फिर बात करते हैं, इस्टैब्लिशिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन अर्बन मैनेजमेंट इज़ अ की इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन सॉरी जो वी कैन से कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का, एंड जो वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम है साउथ एशिया इज़ अ की पार्टनर इन दिस इनिशिएटिव। देन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है, ऑब्वियसली अभी जो मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से इसको एक तरीके से एंडोर्समेंट मिल चुकी है या रिकॉग्निशन मिल चुकी है, ठीक है। इससे क्या होता है, सर्टिफिकेशन से क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब किसी चीज़ को सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन अर्बन मैनेजमेंट इट इज़ डिज़ाइंड टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ अर्बन सेक्टर प्रोफेशनल्स। अभी इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मेन मुद्दा यही था कि जो ह्यूमन पर्सनल्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स जो हैं, जो पर्सनल्स हैं, उनकी कैपेसिटी को कैसे एनहांस किया जाए, ठीक है, उनको प्रॉपरली ट्रेन करके एंड उनकी जो कॉम्पिटेंस है उसका प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशन करके, ताकि जो चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्बन मैनेजमेंट में वो ईजिली टैकल कर पाएँ, इस चैलेंजिंग एनवायरमेंट में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली फुलफिल कर पाएँ। इसी के लिए ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है इन दी अर्बन मैनेजमेंट डिज़ाइन किया गया है। एंड द प्रोग्राम सीक्स टू प्रोवाइड अर्बन प्रोफेशनल विद अ व्हीकल थ्रू विच दे कैन गेन द लेटेस्ट नॉलेज ऑन की आस्पेक्ट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट। अपडेटेड नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन टू कन्फ्रंट मेजर इशू फेस्ड बाय इंडियन सिटी। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि सारी सिटीज़ एक जैसी नहीं हैं, सबकी डिमांड एक जैसी नहीं है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं, तो अप्रोच भी अलग अलग होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव फॉर दिस? सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमें एक्सपीरियंस एक्सचेंज करना है, ठीक है, जो सबसे बेहतर होता है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस, किसी दूसरे ने अगर ट्राई किया है, आप उससे एक्सपीरियंस साझा कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड वे टू लर्न।
एंड एनहांस अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग द अकाउंटेबिलिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड इंश्योर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पर्टिकुलर टू द अर्बन गवर्नमेंट. दो काम करना है आपने, फर्स्ट यू हैव टू एक्सचेंज द एक्सपीरियंस एंड दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गुड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, नॉट ओनली इंटरनेशनल लेवल बट अगर कोई पर्टिकुलर सिटी या इस नेशन के अंदर भी कुछ अच्छा हो रहा है तो उन गुड प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं. फिर बात करते हैं टू प्रोवाइड अ ब्रॉडर मोर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन द रेंज ऑफ इशू कन्फ्रंटिंग इंडियन सिटी एंड टू एक्सप्लोर न्यू अप्रोचेस टू एड्रेस दैम. मैंने आपको बताया हर एक सिटी की एक अलग डिमांड है, तो उन सारी चीज़ों पे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराना और नई अप्रोचेस को एक्सप्लोर करना वो भी एक ऑब्जेक्टिव है. देन अर्बन सेक्टर प्रोफेशनल्स की स्किल्स को इन्हांस करना एंड टू इनेबल देम टू फॉर्मुलेट एक्शन प्लान्स टू मीट स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस. तो तीन चीज़ें हमें करनी है, फर्स्ट वी हैव टू एक्सचेंज द एक्सपीरियंस एंड नीड टू अडॉप्ट द गुड प्रैक्टिसेस. सेकेंड थिंग, जो इंडियन सिटीज़ के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है. एंड थर्ड थिंग, नीड टू एनहांस द स्किल ऑफ अर्बन सेक्टर प्रोफेशनल्स. सो टू असिस्ट द सिटी मैनेजर्स एंड सीनियर स्टाफ ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन डेवलपिंग अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट गवर्नेंस लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी मोर इफेक्टिवली. तो ज़रूरी है कि इन जो ये सिटी मैनेजर ये जो भी काम होने वाला है इन में आप हेल्प करें अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को डेवलप करके, गवर्नेंस लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल टूल एंड स्ट्रेटजी इन सब से मदद की जाए ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर पाएँ. सो आई होप आपको इसका पूरा क्रैक समझ में आ गया टॉपिक का. इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हम ख़त्म करते हैं. ठीक है, यहाँ पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप हमें बता सकते हैं. ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, जल्द मिलेंगे. ख्याल रखिए अपना. थैंक यू.